हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन ऑफ बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में अध्ययन कर रहे थे मूल के रूपांतरण, तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मूल के रूपांतरण में नंबर एक हम पढ़ चुके थे श्वसन मूलें, नंबर दो आर्द्रता ग्राही मूल, तो आज नंबर तीन की बात करेंगे जिन्हें कहेंगे एक प्रकार स्वांगीकरण मूल। स्वांगीकरण मूल, स्वांगीकरण मूल क्या है? ध्यान रहे, इस प्रकार की मूलों के अंदर हरित लौह पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान में रखें कि इनमें क्या पाया जाता है, हरित लौह पाया जाता है। अतः प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये एक प्रकार से किसमें पाई जाती है, एग्जाम्पल याद रखें, सिंगाड़ा गिलोय, सिंगाड़ा गिलोय एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषी जड़े भी बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषी जड़े किन में पाई जाती है, सिंगाड़ा और गिलोय के अंदर पाई जाती है। कि इन जड़ों के अंदर क्या पाया जाता है, हरित लौह पाया जाता है। अतः प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाती है, भोजन का निर्माण करती है। ये अच्छा आपके सामने उदाहरण है, याद रखें कि सिंगाड़ा और गिलोय एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषी जड़ों का उदाहरण है, या जिन्हें एक प्रकार से स्वांगीकरण जड़ों के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे आप। नंबर चार, चूसक जड़े, ये कार्य के कारणों से मूल के रूपांतरण है जिसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। चूसक जड़े परजीवी पौधे अमरबेल में पाई जाती है, अमरबेल में पाई जाती है, अर्थात ये पोषक पौधे से क्या प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करती रहती है। उन जड़ों को कहा जाता है, इसमें चूसक जड़े बोलते हैं कि इस अमरबेल के अंदर चूसक जड़े होती हैं, जो एक प्रकार से जो पौधा होता है पोषक, उससे क्या प्राप्त करती रहती है, पोषण प्राप्त करती रहती है। और चूसक जड़ों का उदाहरण क्या है आपके सामने, अमरबेल है, परजीवी पौधा है, याद रखें। तो ये था स्वांगीकरण मूल, या जिसे एक प्रकार से क्या बोलेंगे, चूसक जड़े बोलेंगे। तो नंबर चार की बात करेंगे माइकोराइजा, माइकोराइजा नंबर पांच, माइकोराइजा या जिसे बोलते कवक मूल बोलते हैं, जिसे बोलेंगे कवक मूल। माइकोराइजा क्या है, कुछ जिम्नोस्पर्म पादप जैसे पाइनस है, ध्यान रहे, जिम्नोस्पर्म पादप जैसे पाइनस की जड़ों के ऊपर मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, जिससे इस पादप की जड़ों से कवक क्या बना लेता है, संबंध बना लेता है, अर्थात कवक प्लस जड़, कि कवक हो गया और जड़ बराबर क्या हो गया, माइकोराइजा, माइकोराइजा या हिंदी में क्या बोलेंगे, कवक मूल। नाम से मालूम है, नाम से समझ सकते हैं कवक और मूल, कि कवक व जड़ के बीच बने सारे संबंध को क्या कहा जाता है, माइकोराइजा बोलते हैं, याद रखें। अर्थात माइकोराइजा होता है जो मृदा से जल, फास्फोरस व अन्य पोषक पदार्थ ग्रहण करके पौधे को प्रदान करता है, और बदले में पौधे के द्वारा बनाए गए कार्बोहाइड्रेट भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। अर्थात दोनों के बीच में जो इंटरेक्ट परस्पर क्रिया है, इसको सहोपकारिता बोलते हैं, सहोपकारिता। ये एक सहोपकारिता का उदाहरण है, या सहोपकारिता क्या है, कि ऐसी क्रिया जिसमें दोनों जातियों को क्या होता है, लाभ होता है। कि आप देखें कि कवक माइकोराइजा क्या कर रहा है, पौधे को पोषक पदार्थ यानी फास्फोरस जल आदि प्रदान कर रहा है, और बदले में उससे क्या ले रहा है, भोजन ले रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे, लाभ पहुंचा रहे, और उस क्रिया को क्या कहा जाता है, सहोपकारिता।
सहोपकारिता ऐसी क्रिया है जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। तो यहां पर एक प्रकार से सहजीविता या सहोपकारिता का उदाहरण है, इसमें दोनों जातियों को क्या होता है, लाभ होता है। तो याद रखें माइकोराइजा या कवक मूल क्या है कि जड़ व कवक के बीच बने सह संबंध को क्या कहा जाता है, माइकोराइजा। तो आप बता सकते हैं कि कुछ जिम्नोस्पर्म पादप जैसे पाइनस के अंदर मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, जिससे इस पादप की जड़ों से कवक क्या बना लेता है, संबंध बना लेता है। और जड़ और कवक के बीच बने सह संबंध को क्या कहा जाता है, माइकोराइजा कहा जाता है। और ये माइकोराइजा क्या करता है कि मृदा से जल व अन्य पोषक पदार्थ जैसे फास्फोरस आदि ग्रहण करके पौधे को देगा और बदले में पौधे के द्वारा बनाए गए कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ग्रहण करता है, जो एक प्रकार से सहजीविता को दर्शाता है। तो ये था एक प्रकार से कारकी कारणों से मूल के रूपांतरण। इससे आगे रूपांतरण और भी हैं जो हम बायोलॉजी की अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।